नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक। पेटीएम डाउन, जोमेटो, हॉटस्टार, अमेजोन और पेटीएम समेत दुनिया भर की कई वेबसाइट ठप। यूजर्स हो रहे हैं परेशान। जी हां, अगर आप भी यूजर्स हैं सबके, तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें, दुनिया भर में जोमेटो, पेटीएम, डिज्नी प्लस, सोनी लाइव, प्ले स्टेशन नेटवर्क काम नहीं करने की वजह से गुरुवार की रात इसके यूजर्स काफी दिक्कतें आई। करीब एक घंटे तक इसकी दिक्कत झेलने के बाद जब यूजर्स की तरफ से इसकी रिपोर्ट की गई, तो इंटरनेट प्रोवाइडर एकमाई ने पुष्टि की कि इसमें दिक्कत आई है। जी हाँ, इंटरनेट ट्रैकर डाउन डिटेक्टर के अनुसार गुरुवार की शाम करीब 8:55 पर यह दिक्कत शुरू हुई थी रोजन। और इसके साथ ही बता दें कि 5 मिनट के अंदर करीब 3000 लोग सिर्फ जोमेटो की ऐप और साइट को नहीं खोल पाए। इसी तरह अन्य सेवाओं की भी इसी तरह की दिक्कत आई। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक कुछ पॉपुलर गेमिंग सर्विस स्ट्रीमिंग और PSN स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5 और सोनी लाइव के साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और जोमेटो, अमेजन और प्रभावित रहे हैं। पेटीएम ने भी बयान जारी कर कहा जल्द शुरू होगी सेवाएं। जी हां, देश में लाखों की संख्या में लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो के टिकट की बुकिंग से लेकर बिजली बिलों के भुगतान तक के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम यूजर्स को गुरुवार रात अचानक पेमेंट करते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस ऐप का नाम काम नहीं कर रहा। बता दें, पेटीएम ऐप खोलने पर लिखा हुआ आ रहा है सॉरी द सर्विस इज नॉट करेंटली अवेलेबल, और इसके साथ ही प्लीज ट्राई अगेन लेटर, यानी सेवा अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी बात देर बाद कोशिश करें। पेटीएम मनी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एकमाई DNS प्रोवाइडर की वजह से सेवाएं प्रभावित हुए, हम जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए इसका प्रयास कर रहे हैं, सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। और बता दें, इधर पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम का नाम काम करने खुद गुरुवार रात ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एकमाई में कुछ दिक्कतें आई है। इसके साथ ही तकनीकी दिक्कत की वजह से पेटीएम के अलावा FedEx, पेटीएम मनी, NDTV, कृष्ण इन्फो, क्रिक बज, हॉटस्टार, सोनी लीव और HSBC की साइट्स भी नहीं खुल पा रही है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी ये दिक्कतें तमाम सही कर दी जाएगी।